अगर जो बाइक में इधर से आना जाना करेंगे वो हिचको ले खाते आपको नजर आ जाएंगे। सामने से गाड़ी आ रही है। जबलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित सड़क के किनारे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की सड़क बनाने वाले अधिकारियों को, विभाग के अधिकारियों को 21 तोपों की सलामी देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सड़कें हैं ये देखिए ये एक बारिश में धुल के निकल गई है। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद आनन फानन में वाह वाही लूटने के लिए अधिकारियों के द्वारा जो है इस प्रकार से खानापूर्ति किया जाता है। और खानापूर्ति करने के बाद होता क्या है, सड़क इस प्रकार से जो है सड़क छोड़ के नालियों में बह जाती है। यहाँ का एक हिस्सा कहाँ गायब हो गया पता नहीं चल रहा है। देखिए रईसों का इलाका, हाउसिंग बोर्ड है इधर पूरा और काफ़ी बड़े बड़े घर यहाँ देखेंगे, झोपड़पट्टी आपको देखने को ना के बराबर ही मिलेगा। ऐसे में जब यहाँ से लोग गुजरते हैं, लग्जरी गाड़ियों में जो गुजरते हैं उन्हें पता नहीं चलता, मगर जो बाइक में इधर से आना जाना करेंगे वो हिचकोले खाते आपको नजर आ जाएंगे। सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी हिचकोले खाते खाते आएगी या फिर बेचारे कोशिश करेंगे किनारे से आ जाएं। ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो आगे तक जर्जर बनी हुई है। शहर के बीचों बीच जो है विभाग के अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ती है कि उसे रिपेयर किया जाए दोबारा। यहाँ तक कि जिला प्रशासन को भी महीने महीने में जगदलपुर शहर के सड़कों की जो है तस्वीरें मंगवाई जानी चाहिए। कम से कम एक मीटिंग में तो जो है तस्वीरें मंगाई जाए शहर की, कहाँ पर क्या हालत है। जब यहाँ से मंत्री जी का आना होगा, अगर यहाँ से मंत्री जी का या फिर मुख्यमंत्री जी का आना जाना होगा तो तत्काल जो इस रोड को चमका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो रहने वाले हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो अगर आप बारिश में आएंगे, अगली बार हम कोशिश करेंगे बरसात में आपकी सड़क में लाए और दिखाएं यहाँ पर किस प्रकार से पानी भरता है। और इस कंडीशन में सड़क को छोड़ दिया गया है, बनाने का कोई जो है जिम्मेदारी या किसी को महसूस नहीं हो रही था। दिखाइए सड़क के किनारे गंदगी फैली हुई है, गंदगी नालियों तक सीमित नहीं है, नालियों के आसपास भी जो है गंदगी ही गंदगी है। और इस प्रकार से सड़कों का मेंटेनेंस किया जाता है। इधर दिखाइए, उधर दिखाइए, बाइक आ रही है, देखिए सभी गाड़ियां हिचकोले खाते आपको नजर आएगी। अगर शहर के बीच में सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नगर निगम क्षेत्र ये पड़ता है, ये देखिए बाइक से लोग आना जाना कर रहे हैं यहाँ से। शहर के बीच में अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूल जाइए, सड़क उखड़ गई तो उखड़ गई। अब बताइए ऐसे कौन से इधर दिखाइए, नीचे दिखाइए, इधर कौन से टेक्नोलॉजी से जो है इस प्रकार से जो है सड़कें बनाई जाती है कि सड़कें सड़क छोड़ करके नालियों में बह जाती है और इस प्रकार से लापरवाही की जाती है। लापरवाही पे किसी की नज़र भी नहीं पड़ती है, ये बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जिला प्रशासन यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से जो है कमिश्नर का बंगला पड़ता है कुछ एक 100 मीटर की दूरी पे, कलेक्टर साहब का आधा किलोमीटर की दूरी पे जो बंगला पड़ता है। और इसके आसपास का नज़रिया कुछ इस प्रकार से है कि सड़क छोड़ करके नालियों में बहता हुआ नज़र आ रहा है। एक हिस्सा गायब हो चुका है, इस और गायब हो चुका है। और आगे जो दिखाइए ये जो है रईसों का इलाका माना जाता है, झोपड़पट्टी आप आसपास देख नहीं पाएंगे, ये पूरा इलाका ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से घिरा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से बड़े अधिकारी नहीं गुजरते हैं। एक बरसात के बाद जो है नगर निगम क्षेत्र के सड़कों का क्या हाल होता है, इसका मेंटेनेंस आखिरकार विभाग क्यों नहीं कर पा रही है? या तो जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही है या फिर जरूरत महसूस नहीं हो रही है, शायद ये कारण हो सकता है कि जनता जो है वो परेशान होती रहे। आखिरकार भ्रष्टाचार से बनी हुई इस प्रकार की खोखली सड़कें लोगों को दिखती क्यों नहीं है, क्यों वो अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, क्या सबकी मिली भगत है? आखिरकार बनी हुई सड़क नालियों में कैसे बह जा सकती है, हाईवे की सड़कें क्यों नहीं बहती है? उन्हें भी दूसरी डामर से ही बनाया जाता है, बल्कि इस सड़क पे ना ही टनों की गाड़ियां गुजरती है, चार पहिया, छह पहिया और दो पहिया चलने वाली सड़कें नालियों में बह जाया करती है। इस प्रकार की व्यवस्था जगदलपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में चल रही है, जिस पर जो है विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं।